सत श्री अकाल जी, मैं स्वागत सक्सैना स्पीड न्यूज़ विच आप सब का स्वागत करती हूँ। दिल्ली चलो अंदोलन अज 23वें दिन विच दाखिल हो गया। किसान मोदी सरकार वालों पास किए गए खेती कानूनों के विरोध में सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत वक्त थावां ते विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ाके भरी ठंड में किसान खेती कानूनों खिलाफ डटे हुए हैं। किसान विरोधी बिलों खिलाफ चल रहे किसान संघर्ष दौरान किसानों वालों दिल्ली पहुंचने जिथे किसान नूं वक्त साधना राही पहुंच रहे हैं, उतें ही मोगा जिले के थाना समालसर अधीन पैंदे पिंड मलके के जज्बाती किसान अपनी बैलगड्डी से दिल्ली संघर्ष में पहुंच रहे हैं। जानकारी अनुसार उन्होंने यह पूरा पेंडा 12 दिनों में तय किया। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली बॉर्डर से किसानों के प्रदर्शनों के विचकार किसानों ने एक पत्र लिखे। इस चिट्ठी में खेतीबाड़ी मंत्री ने खेतीबाड़ी सुधार कानूनों के लाभों बारे दसिया। इस नाल ही उन्होंने अंदोलन किसानों में कुछ लोगों वल भंबल भूसा फैलाने की गल भी आखी। खेतीबाड़ी मंत्री ने अपने पत्र में लिखे कि वह खुद एक किसान ने और खेती दीयां चुनौतियों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले 6 साल तो किसानों के सशक्तिकरण लिए उपराले कर रही है। उन्होंने घटो घट समर्थन मुल के बारे लिखा है कि MSP जारी है और अगे भी किसानों को मिल रहेगी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सैशन में आज खेती कानून खिलाफ संकल्प पत्र पास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीनों कानूनों की कापी फाड़ दी है। संकल्प पत्र के पक्ष में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा ने केंद्र सरकार के तीनों कानूनों को खारिज कर दिया है और केंद्र सरकार को इन्हें वापस लेने की अपील की है। खेती कानूनों संबंधी प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही गलबात करन जा रहे हैं। जिक्रे खास है कि खेती कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली दीयां बॉर्डर ने डटे हुए हैं। स्कूल सिक्ख्या मंत्री इंदर सिंह परमार ने सोमवार को स्कूल सिक्ख्या विभाग की समीक्षा मीटिंग की। यह फैसला किया गया है कि 10वीं और 12वीं दीयां क्लासां 18 दिसंबर तो पूरे निर्धारित समय लिए नियमित तौर पर लिया जाएंगी। बोर्ड दीयां प्रीख्यावां नूं ध्यान विच रखदिया जिला इन्हां क्लासां नूं शुरू करन दा फैसला किया। दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में भूचाल के झटके महसूस किए गए हैं। भूचाल की तीव्रता रिक्टर पैमाने से 4.2 मापी गई। इस ही इसका केंद्र गुरुग्राम तो 48 किलोमीटर दक्षण पश्चिम में थी। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कड़ाके ठंड विचकार किसान अपनी मंगा लैके दिल्ली के बॉर्डर डटे हुए हैं। उते ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से राजस्थान, उत्तर भारत समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके ठंड पै रही है। दिल्ली में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कनेडा में कोरोना का कहर लगातार ही बढ़ता जा रहा है। क्रिसमस दी छुट्टियां दौरान हालात होर खराब होने के आसार ने क्योंकि लोग घूमन फिरन दी तैयारियां में ने। इस विचकार सूबे क्यूबिक ने सख्त फैसला किया है और 25 दिसंबर तो 11 जनवरी तक सारे गैर जरूरी कारोबार और सारे प्राइमरी ते सेकेंडरी स्कूल बंद करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब तो लाई गई कर्ज की एक होर किश्त 1 अरब डॉलर दे के चुका दी है। इस कर्ज को वापस करने लिए इमरान खान की सरकार ने चीन तो कर्ज लिया। पाकिस्तान ने हाले सऊदी अरब की तीसरी और आखिरी किश्त जनवरी में चुकानी है। इस भी चीन तो एक होर कर्ज लैन की संभावना है। इस आसम तो आ गया। धन्यवाद।